हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तरुण प्लीज मुझे मत मारो। आगे ये तो बताओ कि मेरी गलती क्या है। अच्छा गलती बताऊं? हाँ अभी बताता हूँ तेरी गलती। ये ले, ये ले। तरुण प्लीज, तरुण प्लीज मुझे मत मारो। तरुण मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जो कहते हो वो करती हूँ तो क्यों मुझे रोज रोज मारते हो? ये तो बताओ कि मेरी गलती क्या है। गलती? तुम्हारी गलती ये है कि तुम मेरी पत्नी हो, मेरे प्राणों की जूती हो तुम, समझी? मेरे सर पे बैठने की कोशिश मत करो, तुम्हारी यही दवा है, समझी? पिटती हो तो जमीन पे रहते हो, दिमाग ठिकाने रहता है, मैं तो सातवें आसमान पे उड़ने लगती हूँ। रोज इतना क्यों सहती है, क्यों झेलती है इतना कुछ? इतनी पढ़ी लिखी है, इतना कमाती है, फिर क्यों ऐसे निकम्मे पति को झेल रही है? नहीं शांति, ये मेरी तकदीर है। मेरी किस्मत में जो था वो मुझे मिला है और मैं खुश हूं, बहुत खुश। आप खुश नहीं है मैडम जी, आप डरती हैं। सच बता रही हूं मैडम जी, मैं आपकी वजह से चुप हूँ, नहीं तो समझा देती मैं तरुण साहब को। नहीं जानती, ऐसा नहीं कहते, पति हैं वो मेरे। अरे काहे का पति, ऐसा पति होता है भला? मेरी बात मानिए, एक बार उनकी रपट पुलिस थाने में लिखवा दीजिए, एक बार पुलिस का डंडा पड़ेगा ना तो अकल आ जाएगी उन्हें। नहीं शांति, मैं मजबूर हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे पापा हार्ट पेशेंट है, अगर उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी ने अपने पति को छोड़ दिया तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। वेरोनिका, तुम ठीक तो हो ना? हाँ क्यों, क्या हुआ? ये तुमने क्या हालत बना रखी है? वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। सच में? रोज रोज बहाने बनाने से तुम असलियत से भाग नहीं सकती। रोहन ऐसा कुछ नहीं है, तरुण बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। वेरोनिका, मेरे घर में भी माँ है, मेरी बहन है, ऐसा जुर्म मेरी बहन के साथ कोई करता तो मैं उसे वहां रहने नहीं देता। मुझे बहुत काम है और मेरी एक मीटिंग भी है। वेरोनिका लिसन, हे भगवान, मैडम का फोन क्यों बंद है? ये पागल आदमी सांड के जैसे बुखलाया हुआ है, क्या होगा अब? हे भगवान सब ठीक करना। आज तेरी खैर नहीं। शांति चाय लाना। जी मैडम जी। कहाँ थे इतने देर? फोन क्यों ऑफ कर रखा है? तरुण वो मेरी बहुत जरूरी मीटिंग थी और
काम इतना था ऑफिस में कि कॉल करने का ध्यान ही नहीं रहा। और मैंने रास्ते में देखा कि फोन की बैटरी वो भी डिस्चार्ज हो गई थी। झूठी कहानी सुना रही है? कहानी सुना रही है? किसके साथ थी? किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी? किसी के साथ नहीं थी। नहीं बताएगी? नहीं नहीं ऐसे नहीं बताएगी। तुम ऐसे नहीं बताएगी। तुम ऐसे नहीं बताएगी। नहीं नहीं तरुण नहीं से नहीं बताएगी। तरुण मेरी बात तो सुनो। चल 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 फोन लगा। फोन लगा तेरे ऑफिस में। नहीं मैं पूछताछ करके तेरी बेइज्जती नहीं कराऊंगी। तरुण तरुण मार डालोगे क्या मुझे? तरुण नहीं तरुण मैं मार जाऊंगी। मुझे छोड़ दो। तरुण उड़ा रही थी तुम्हें। छोड़ दो साहब। छोड़ दो छोड़ दो मैडम को। शांति तू अपने काम से काम रख। हमारे मामले में आई ना बहुत बड़ा होगा। पूरा तो तुम्हारा मैं करूंगी। ये देख रहे हो ना दो मिनट में सारा नशा उतार दूंगी। रोज रोज मैडम जी पर हाथ उठाते हो। दिमाग खराब हो रखा है तुम्हारा। अगर आगे से कभी किसी औरत पे हाथ उठाया ना तो रपट लिखा के हमेशा के लिए अंदर करवा दूंगी। ये ज्यादा ही सर पे चढ़ गई है। इसके पंख काटने पड़ेंगे। शांति सर आप लोग यहाँ? ये सब सर ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? तरुण 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 ये सब क्या हो रहा है? मेरू तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे बर्थडे पे एक नेकलेस गिफ्ट किया था? हाँ तो तुम मेरे साथ हो? ये देखो देखो। हे भगवान मेरा नेकलेस कहाँ गया? पता नहीं मेरू मैं पूरा घर छान मारा। जब मुझे कहीं नहीं मिला तब जाके मैंने पुलिस को बुलाया। आप लोगों के अलावा और भी कोई रहता है यहाँ? जी नहीं। किसी बाहर वाले का आना जाना? हाँ हमारी काम वाली भाई शांति। तो अभी कहाँ है वो? अब तक आई नहीं वो। मतलब हमेशा अब तक आ जाती है वो? शांति चोर नहीं हो सकती। हमें उस पर कोई भी शक नहीं। क्यों नहीं हो सकती? हमने तुमने नहीं लिया तो वही बची ना। नेकलेस देख के लालच आ गया होगा। ईमान डगमगा गया होगा उसका। अच्छा ये बताइए कब से कब तक रहती है वो यहाँ? हमारे घर की एक चाबी उसके पास रहती है। सुबह सुबह वो आ जाती है। हमारे घर से जाने के बाद वो जाती है और शाम को हमारे घर में आने से पहले वो आ जाती है। शांति ये घर का पता दीजिए। ऑफिसर वो सरगम चौल में रहती है। मैं आप लोगों को उसके घर ले चलता हूँ। चलिए ये यही घर है शांति का। अरे शांति इधर पुलिस। शांति शांति तो घर पे नहीं है। तलाश लो घर की। देखो कहाँ है वो। अरे मैं बोल रहा हूँ शांति घर पे। सुनिए हेलो तुम सब कौन है ये लोग? पुलिस हाँ सर तुम्हारी बीवी शांति ने इनकी बीवी का नेकलेस चुराया है। क्या बात। नहीं सर मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती। सर शांति तो स्कूल गई है बच्चों की फीस जमा करवाने के लिए। सर सर शांति ऐसा कर ही नहीं सकती है। वो बहुत ही खुददार औरत है। सर नेकलेस मिल गया हमें। ये है। आप जाए पता नहीं सर कि यहाँ कैसे आया। साहब जरूर कोई गड़बड़ है। मेरी शांति ऐसा कभी नहीं कर सकती सर। रघु ये पुलिस हमारे घर में। शांति ये लोग कह रहे हैं कि तुमने विरोनिका मैडम का नेकलेस चुराया। क्या कह नहीं रहे हैं सबूत है सबके सामने। नहीं साहब हम चोर नहीं है। हम भूखे रह जाएंगे लेकिन गैर के सामान को हाथ नहीं लगाएंगे। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं सच बोल रही हूं। सब पता चल जाएगा। चल थाने थाने चल थाने क्यों
मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे जो बोलना है अदालत में बोलना। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे छोड़ दो। बैठ। मैंने कुछ नहीं किया। रुक जाइए, आप शांति को नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? ये रहे शांति के अग्रिम जमानत के कागजात। छोड़ दो सर। ये लो बच्चों, खाना आ गया। तुम लोग खाना खाओ, मैं 10 मिनट में आती हूँ। माँ, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? बेटा मुझे जरूरी काम है, मैं बस यूँ गई और यूँ आई। माँ हम भी चलते ना, बाबा भी नहीं है, इतनी रात भी हो गई है। बेटा बाबा 10 मिनट में आ जाएंगे और मैं भी फटाफट से आ जाऊंगी। हमारे लिए चॉकलेट लेके आना। पक्का। तुम लोग खाना खाओ, चलो। बाबा इतनी रात हो गई है, माँ अब तक क्यों नहीं आई? बाबा आप कब से कह रहे हो माँ माँ आ रही है, माँ आ रही है, लेकिन अब तक नहीं आई। आती होगी बेटा, तुम लोग सो जाओ। नहीं बाबा, जब तक माँ नहीं आती तब तक हम नहीं सोएंगे। हाँ जब तक माँ नहीं आएगी मैं भी नहीं सोऊंगी। मैं क्या करूँ बेटा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी माँ कहाँ चली गई। मैं तुम्हारा बिस्तर लगा देता हूँ, तुम लोग सो जाओ। नहीं बाबा, हम नहीं सोएंगे जब तक माँ नहीं आती। बाबा मैं भी नहीं सोऊंगा। बेटा तुम्हारी माँ किसी दूसरी जगह काम ढूंढने चली गई होगी, इसलिए उसे देर हो गई। बाबा माँ कहीं भी जाती है हमें बता कर जाती है। आज तो उसने बोला खाली 10 मिनट में आती हूँ, लेकिन अब तक नहीं आई। पुलिस स्टेशन जाकर उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवा देता हूँ, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। अच्छी तरह से चेक करो इस गटर को, पूरे 2 साल हो गए इसे बनते हुए लेकिन इसका काम खत्म ही नहीं होता है। चालू करवा दीजिए सर, नया गटर है, इसमें क्या कमी होगी? अरे भाई फिर भी एक बार अच्छी तरह देख लो कि कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं, अगर ब्लॉकेज हुई तो ठीक कर देंगे, अभी बाद में शुरू होने के बाद कोई कंप्लेंट आएगी तो अच्छा नहीं है। चलो देखो। ठीक है सर। उसे खून में, खून भी सूखा हुआ है सर, लगता है काफी वक्त हो गया है इसकी मौत का। सर ये गले पे निशान देख के लगता है कि गला भी घोटा गया है। और कोई निशान है बॉडी पे? नहीं सर, और कोई निशान नहीं है। गला भी घोटा गया है और चाकू भी मारा गया है। एक से ज्यादा लोग थे क्या? जब आप लोग यहाँ पे आए तो किसी और को देखा था यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ पहले कोई नहीं था। अच्छा आप में से सबसे पहले लाश को देखा किसने? सर हमारे वर्कर ने। ये ड्रेनेज की चेकिंग इससे पहले कब हुई थी? सर 15 दिन पहले। पता करो ये औरत कौन है और किसी ने इसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है क्या पुलिस स्टेशन पे?
शांति, शांति, सब मेरी बीवी का है। एक एक मिनट रघु, संभालो अपने आप को। अंकल माँ को बुलाए ना। पंकज जरा बच्चों को पानी पिलाया। अंकल मेरी माँ का, अंकल मुझे माँ को देखना। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, आप लोगों को चॉकलेट पसंद है? हाँ। अरे वाह, हमारे पास आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चॉकलेट है। सच्ची? ये लो बेटा पानी पियो। लो बेटा पेड़ी, इनको ले जाओ जरा। अंकल चॉकलेट दो। लाओ लाओ, क्लास मुझे दो। चलो चलो बच्चे चलो, बहुत सारे खिलौने लेके आए हम खेलने के लिए। देखो रघु, हिम्मत से काम लो, हम तुम्हारा दुख समझते हैं। एक्चुअली शांति का किसी ने खून कर दिया है। किसने किसने मारा मेरी बीवी को? वो भी हम पता लगा लेंगे। तुम ये बताओ कि शांति कब से गायब थी? साहब वो कल रात से घर पे नहीं आए। शांति की किसी से कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा कुछ भी? नहीं साहब, वो तो किसी कमजोर या मासूम पे कोई जुर्म हो रहा हो तो उसके लिए लड़ पड़ती थी। मैं बहुत समझाता था उसको कि दूसरे के मामले में झगड़ा ना करा करे, लेकिन समझती नहीं थी साहब। अच्छा तो कौन कौन से लोग हैं जिनके साथ उसने लड़ाई की थी? साहब विरुणिका मैडम के पति तरुण साहब मैडम को बहुत मारते थे और जानती थी तरुण साहब को उल्टा सीधा सुना देती थी। ये वेरोनिका कौन है? शांति उनके घर में झाड़ू पोछा करती थी मैडम। बहुत अच्छी सोच थी शांति की, जुर्म के खिलाफ सबको आवाज उठानी चाहिए। सोच अच्छी थी, इसलिए तरुण साहब ने उसको भी चोर बना दिया था। चोर? जी, विरुणिका मैडम का हार चोरी हो गया था और तरुण साहब ने शांति को उसमें फंसाया था। पता नहीं वो हार मेरे घर से कैसे मिला। कोई अनजान आदमी घर पे आया था क्या, या कोई ऐसा आदमी जिसपे तुम्हें शक हो? साहब मेरे रहते हुए घर पे कोई नहीं आया, हो सकता है बच्चों के सामने कोई आया। परवी सर बच्चों को लेकर। तुम कह रहे थे कि विरुणिका मैडम ने शांति की जमानत ली थी? जी सर, जब विरुणिका मैडम ने शांति की जमानत ली थी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी शांति। अरे वाह, आप लोग चॉकलेट खा रहे हो हैं? मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा बच्चा एक बात बताओ, कल परसों में घर में कोई अनजान आदमी आया था क्या, जब माँ बाबा घर पे नहीं थे? सर ये बहुत होशियार बच्चे हैं, ये एक सेकंड में बता देंगे। बेटा बताओ। हाँ अंकल, ड्राइवर अंकल आए थे मिठाई लेके। कौन ड्राइवर अंकल? बेटा तरुण अंकल के ड्राइवर। सर कहीं ड्राइवर ने तो नहीं रखा था वो हार? और सर जिस बेरहमी से तरुण अपनी बीवी को मारता था, कहीं इसी ने तो शांति को नहीं मार दिया? हो सकता है, लेकिन अभी तरुण को औरत की ताकत का अंदाजा नहीं है। जी कहिए। हमें तरुण से मिलना है। लेकिन तरुण तो घर पे नहीं है। कोई बात नहीं, हम उसका यही इंतजार करते हैं। लेकिन आप लोग हैं कौन और इस तरह से घर में अंदर आने का मतलब? हम सीआईडी से। सीआईडी? क्यों सब तरुण ने कुछ किया है क्या? एक खून हुआ है और उसी सिलसिले में उसे कुछ पूछताछ करनी है। खून? किसका खून सर? आपकी काम वाली बाई शांति का। क्या शांति? शांति का खून हो गया? कब हुआ सर उसका खून? कल रात को, और हमें तरुण पे शक है। तो
कौन है भाई ये लोग? जा पानी लेके आ। हाँ भाई, बिना पूछे अपनी तारीफ बताएंगे आप लोग? कौन है भाई? हम लोग सीआईडी से। ये पूछने आए हैं कि कल रात तुम कहाँ थे? कल रात मैं पार्टी में था। कौन सी पार्टी में? बहुत सवाल पूछते हो यार तुम लोग। जितना पूछा जाए उसका जवाब दें, वरना जितने नशा चढ़ा है ना तुम्हें सभी उतार दूंगा, समझा? एसके रोड पे एक पार्टी में गया था, आप चाहे तो मैं ड्राइवर से पूछ लीजिए। तो बुला अपने ड्राइवर को। ड्राइवर नहीं है वो, बहुत लेट आएगा। नंबर दो उसका। नंबर 110-19-87-826। कृष्ण, पंकज, इनके ड्राइवर को यहाँ ले आओ। लेकिन सर, शांति का खून कब हुआ? क्योंकि कल रात को मैं शांति से मिलने गई थी। मेरे मना करने के बाद भी तुम उससे मिलने गई? बहुत चर्बी आ गई है। बीवी पे बहुत रोब झाड़ते हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली तरुण ने शांति को काम से निकाल दिया था, तो बस मैं उसे कुछ पैसों की मदद करने के लिए गई थी। क्या हुआ मैडम जी, इतनी रात को मुझे यहाँ क्यों बुलाया? शांति, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। नहीं मैडम जी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। शांति, ये रखो। ये क्या है मैडम जी? थोड़े से पैसे हैं, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं मैडम जी, ये मैं नहीं ले सकती। क्यों शांति, ये समझ लो कि तुम्हारी बहन तुम्हें दे रही है। बहन का प्यार ही बहुत है मैडम जी, पैसा देकर इस प्यार को मत खरीदो। अगर आपके घर काम नहीं करूंगी तो क्या हुआ, पर हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा मैडम जी। वाह, अच्छा नाटक है। पति चोरी का इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवाता है, पत्नी जमानत कराती है और पैसे देकर उसकी मदद करने की कोशिश करती है। हा? कहीं तुम दोनों ने मिलकर तो नहीं मार डाला शांति को? नहीं नहीं, शांति तो मेरी बहन जैसी थी। शांति मर गई, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। भगवान ने उसको उसके करने की सजा दे दी। भगवान ने नहीं, तुमने, तुमने मारा है उसे। नहीं सर, तरुण किसी का खून नहीं कर सकते। वेरोनिका, तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है तुम्हारा पति क्या कर सकता है। तुम्हें रोज मारता है ना ये? ऐसा नहीं है, तरुण तो मुझसे बहुत प्यार करते, इन्होंने तो आज तक मुझे डांटा भी नहीं। वाह वाह रे भारतीय नारी, तुम्हारा पति तुम्हारा परमेश्वर है, चाहे तुम पर कितना भी जुल्म क्यों ना करे। वेरोनिका, तुम अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही हो। नहीं सर, सही बोल रहे हैं, मैं बहुत प्यार करता हूँ इसको। मैं तो किसी औरत को दुखी देख ही नहीं सकता। अच्छा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आ रहा है वो तुम्हारा ड्राइवर। चल अंदर। अरे कौन हो तुम लोग और कहां ले जा रहे हो मुझको? छोड़ो छोड़ो, कौन हो तुम लोग? आखिर मैंने क्या क्या है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? पर मैंने मैंने क्या क्या है? शांति, जानता है ना तू उसे? शांति वो जो तरुण साहब के यहाँ काम वाली भाई है? हाँ वही, मिठाई का डब्बा और नेकलेस तू ही लेकर गया था ना शांति के घर। साहब वो मैं, देख इतना सोचेगा तो झूठ बोलेगा, और फिर उसे एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलेगा, और जितना झूठ बोलेगा उतना ही फंसता जाएगा। चल बता,
साहब, मेरे मालिक तरुण साहब के कहने पर ही किया था। ये दिवाली की मिठाई है जी, इसे शांति के घर पहुंचा दो। ठीक है। और ये नेकलेस, ये शांति के घर में कहीं भी छुपा दो। पंकज, गाड़ी तरुण के घर की तरफ लो। सर। गुड मॉर्निंग। आज काफी शांति है यहाँ पे। आज दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। नमस्ते। नमस्ते। सर आप हैं? जी हाँ, हम हैं यहाँ पर। और कहाँ होंगे आप? फॉरेंसिक लैब है ना ये, तो हम यही होंगे ना रात दिन। नहीं नहीं, वो दिखाई नहीं पड़े इसलिए। हाँ, हम क्यों दिखाई देंगे आपको। वैसे अभिजीत, आज क्या खास बात है जो तुम्हारा दिन अच्छा निकलने वाला है? सर, बात तो खास है। अच्छे लोगों के दर्शन से अगर दिन की शुरुआत हो जाए तो दिन तो अच्छा गुजरेगा ही। टाइम विल टेल यू। ए, इसे क्या हुआ? ए भाई, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों मुंह फुलाए खड़े हो? आज मेरा दिन खराब है सालूम के साहब। क्यों, क्या हुआ? सर वो क्या, वो भाभी जी ने डांट लगाई है सर आज इसे। भाभी ने डांटा है? क्यों क्यों फ्रेडी क्यों? अरे सर, कह रहा था कि मॉल लेके जाएगा शॉपिंग कराने के लिए, और बाद में गार्डन ले गया, हवा खिला रहा खाली। सालूम के साहब, मैंने सोचा था कि वाइफ खुश हो जाएगी, सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। जाना था जापान, निकल गए चीन। सोचा था कुछ और, हो गया कुछ और। होता होता है, ऐसा ही होता है फ्रेडी, जैसे इस केस में हुआ। आप लोगों ने सोचा कुछ और था, हो गया कुछ और। क्या मतलब? मतलब ये भाई कि इसके शरीर पर चाकू के घाव हैं, सही है, इस पर चाकू से वार किया गया है, इसका गला भी घोटा गया है, लेकिन साथ ही इसे जहर का इंजेक्शन भी दिया गया है। सर, इतनी नफरत? जो खूनी ने इतने सारे हथियार अपना खून करने के लिए? क्योंकि खूनी चाहता ही नहीं था कि किसी भी हालत में इसकी जान बचे। पर सर, एक काम करने वाली बाई किसी का क्या बिगाड़ सकती है? लगता है ये सब किया धरा उस तरुण का है, उसी को शांति से प्रॉब्लम थी और उसने शांति को धमकी भी दी थी। सर, इस ड्राइवर ने तरुण के ही कहने पर शांति के घर में नेकलेस रखा था। झूठ बोल रहा है ये आदमी, मैं इसकी जान ले लूंगा। तू चुप खड़े रहो यहाँ पे। ये बताओ कि कल रात तुम्हारे साहब पार्टी में गए थे? जी साहब। तो पार्टी को बीच से छोड़कर कहीं गए थे या पार्टी के बाद? हाँ, मैंने ना पार्टी से जाते हुए देखा था। तो ब्यूरो चल, वहां तो तोते की तरह बोलेगा। चल। अरे सुनो। हाँ साहब, क्या हुआ? क्या तुमने इस औरत को देखा है? क्या हुआ इसे? खून हो गया इसका। खून? हाँ, देखा है इसे। हाँ साहब, मैंने देखा इसे। कहाँ पर? वहां खड़ी थी, रो रही थी साहब। एक आदमी था उसके साथ, वो शायद उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, या फिर साहब शायद धमका रहा था। तुमने उस आदमी की शक्ल तो देखी होगी ना? नहीं साहब, उसकी पीठ थी मेरी तरफ, शक्ल कैसे देखता। चलो ठीक है, लेकिन अब याद करो अच्छी तरह से। क्या तुम्हें कोई खास बात याद आती है उस आदमी के बारे में, या फिर उन दोनों के बारे में, या फिर वहां पर कुछ था, कुछ हुआ था? वो आदमी उस औरत का कोई जान पहचान वाला लग रहा था, क्योंकि वो दोनों हाथ पकड़े हुए उससे बात कर रहा था। और हाँ, उसके पास एक साइकिल खड़ी थी जिस पे दूध की कैन लगी थी।
कौन था ये आदमी? शांति के साथ, जिसके सामने शांति फुट फुट कर रो रही थी। क्या चक्कर है ये? दूध का कैन साइकिल पे अटका हुआ। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम पार्टी से निकले और वहां जाकर शांति का खून कर दिया तुमने। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं सर। मैंने शांति को हाथ भी नहीं लगाया। ऐसे नहीं मानेगा। ठीक है, ले जाओ इसको। चल खड़े हो, चल 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 जा, जा, जा। दुष्यंत, क्या टाइम मत बर्बाद कर। मालूम है ना क्या करना है? मैं बताता हूँ, सब सब कुछ बताता हूँ। बताएगा? चल बैठ बैठ, बता। मैंने मैंने ड्राइवर से कहा था कि वेरोनिका पे नजर रखने के लिए। किस बात की नजर रखने के लिए? मुझे शक था कि वेरोनिका के किसी और से कोई चक्कर है। क्या काम करना? काज का दुश्मन अनाज का। बीवी के पैसे पे गुलचर्रे उड़ाता है, उसको मारता पीटता है। निकम्मा आदमी, यही सब सोचेगा। आगे बोल। जब वेरोनिका घर से बाहर निकली तो ड्राइवर ने मुझे फोन करके बताया कि वो कहाँ गई है। मैं पार्टी से निकलकर वेरोनिका को देखने गया। बकवास कर रहे हो तुम, झूठी कहानी बना रहे हो। नहीं सर, आप लोग मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। सिर्फ शांति से मिलते हुए मैंने वेरोनिका को देखा और बस चुपचाप लौट आया, और कुछ नहीं सर। अभिजीत, डॉक्टर साहब आप यहाँ पे, कोई खास बात है क्या? अभिजीत, एक बहुत ही खास बात पता चली है। कैसा? शांति के घाव को देख करके लगता है कि जिसने भी चाकू से वार किया है उसने अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया। लेफ्टी है वो। लेफ्टी? इसका पता किया? नहीं अभी तो नहीं। पता करो। तरुण जी, जहां पे पार्टी चल रही थी हाँ, और जहां वेरोनिका शांति से मिली थी हाँ, दोनों जगह का एड्रेस लिखो। लगता है अभिजीत ये खूनी नहीं है। मैं तब से यही कह रहा हूं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खून नहीं किया। एक मिनट, ये भी तो हो सकता है सर कि इसने किसी को सुपारी दी हो। क्या कह रहे हैं आप? मैं क्यों करूंगा ऐसा? हेलो, क्या तो ये चक्कर है? सुनिए हाजी, क्या आप यहाँ इस मोहल्ले में दूध पहुंचाते हैं? हाँ, चार लोग रखे हैं मैंने इस काम के लिए। आप कौन से मोहल्ले में रहते हैं? नहीं, हम लोग CID से एक खून की तहकीकात करने आए हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो चार लोग तुमने रखे हैं घर घर में दूध पहुंचाने के लिए, वो क्या पैदल जाकर पहुंचाते ये दूध या फिर साइकिल से जाते हैं वो लोग? क्या इन चार लोगों के बारे में कुछ बता सकते हो? क्या नाम क्या है उनका? एक का नाम बंसी, घनश्याम, राहुल और रघु। रघु? हाँ सर। ये रघु इस वक्त कहाँ है? सर वो आज आया नहीं, सुना है उसकी बीवी का किसी ने खून कर दिया है। सर हो सकता है जो आदमी शांति से मिलने के लिए गया था रात वो रघु ही। हाँ हो सकता है, क्योंकि दुकान वाले ने तो हमें बताया कि वो जान पहचान वाला ही आदमी लग रहा था। शांति के दोनों हाथ पकड़ के बातें कर रहा था।
इससे तो लगता है कि खून रघु ने ही किया है शांति का, पर क्यों वो शांति का खून क्यों करेगा? मुझे यकीन नहीं होता कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने किया क्या? मैंने शांति को मार डाला। मैं खून नहीं हूँ, मैंने अपनी पत्नी का खून किया है। अपने बच्चों के सर से उनकी माँ का साया छीन लिया। क्या मुंह दिखाऊंगा उनको, मैं कैसे जाऊंगा उनके पास में? वो लोग मुझसे नफरत करेंगे। बाप नहीं हूं, जला दूं मैं। मुझे सजा मिलनी चाहिए, मिलेगी। मैं जा रहा हूं। शांति शांति शांति, मैं आ रहा हूं। शांति शांति शांति। आला लगा हुआ। हाँ सर, इसका मतलब निकल गया रघु यहां से। सचिन काम करो, दरवाजा खोलो। काम करो, घर का कोना कोना छान मारो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलना चाहिए। अरे अरे, आप लोग कौन है और घर के अंदर क्या कर रहे हैं? मैम, हम लोग सीआईडी से हैं। वैसे आप कौन हैं? मैं पड़ोस में ही रहती हूँ। अच्छा, तो फिर रघु को जानती होंगी? हाँ साहब। ये रघु कहाँ गया, कुछ पता है आपको? साहब, अभी थोड़ी देर पहले बच्चों को लेकर बाहर गया है वो। थोड़ी देर पहले बच्चों को लेकर बाहर निकल गया, कहाँ गया कुछ पता है आपको? नहीं साहब, वो बहुत जल्दी में था। तो आपने देखा उसे जाते हुए? हाँ साहब, मैंने उसको पूछा पर मुझे डांटते हुए बोला कि जाते समय टोकते ही नहीं है। सचिन काम करो, कंट्रोल रूम में फोन करो, शहर में सब जगह नाकाबंदी लगाओ, सारी न्यूज़पेपर्स और मीडिया चैनल में इसकी फोटो भी छपवा दो। रघु ये शहर छोड़कर भाग नहीं जाना चाहिए। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये रघु की है। ये आदमी अपनी बीबी शांति का खून करके लापता है। पुलिस और सीआईडी इसकी तलाश कर रहे हैं। तो मेरा रघु ऐसा नहीं है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा। शांति, भगवान करे तुम दोनों के प्यार को किसी की नजर ना लगे। कहां मर गई है वेरोनिका? आप में से किसी को भी ये आदमी दिखाई दे तो तुरंत सीआईडी को इसकी सूचना करें। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो मैं आज के बाद मुझ पे हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की ना तो। ये तो यही आदमी है। हाँ यही है पकड़ो। ए रोक, पकड़ो उसे। रोक। सारे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सब जगह नजर रखो। शहर छोड़ के भागना नहीं चाहिए वो। या कितना बड़ा ड्रामेबाज निकला सर ये रघु। खुद उसने अपनी बीवी को मारा था और हमारे सामने फूट फूट कर रोने का नाटक कर रहा था, और अब पकड़े जाने के डर से भाग रहा है। कब तक भागेगा सर? कभी ना कभी तो हमारे चंगुल में आ ही जाएगा। साहब मुझे माफ कर दो साहब, ऐसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो सर। ऐसे देखा, मेरी भविष्यवाणी सच हो गई। हाँ ठीक है, मैंने ही अपनी बीवी को मारा, मैं खूनी हूँ सर। क्यों मारा शांति को तुमने? सर मैं किसी और को चाहता था, उससे शादी करना चाहता था, और शांति के जीते जी ये नहीं हो सकता था।
इसलिए मैंने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। फिर यहां पे क्यों आए? उस औरत ने मुझे भगा दिया। उन्हें कि जो अपनी बीवी का नहीं हो सकता वो किसी और का क्या होगा? तुम जैसा का यही हाल होता है, घर के ना काट के। एक बार भी नहीं सोचा कि बच्चों का क्या होगा? बच्चे, बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे? सब बच्चे एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया सब। रिश्तेदार? क्या नंबर क्या है उसका? मुझे बात करनी है बच्चों से। सब नंबर 98। सर नंबर याद नहीं आ रहा अभी। याद नहीं है? शांति को कहाँ मारा था ये तो याद है ना? आइए। सर आप सब लोग मुझे यहाँ क्यों लाए? अरे ये जगह तुमको याद नहीं है क्या? नहीं सर, मैं तो इससे पहले कभी यहाँ आया ही नहीं। अच्छा, ये जगह याद नहीं है तुम्हें? यहाँ पे तुमने शांति का खून किया और जगह भूल गए? सर हाँ याद आया सर, मैंने उसे यही मारा था सर। अच्छा, यहाँ शांति की बॉडी को कहाँ छिपाया था तुमने? सर मैं यहाँ सर, मैंने यहाँ मार के डाला था उसे। यहाँ पे? जी सर, यहाँ सर। वैसे शांति की लाश हमें वहां पे मिली थी। सर मैं भूल गया सर, लेकिन आप लोग मुझसे ये क्यों पूछ रहे? नहीं, हम ये जानना चाहते थे कि तुमने शांति का खून किया कैसे। वो मैंने शांति को बात करने के बहाने यहाँ बुलाया और चाकू मार दिया। वो चिल्ला के नीचे गिर गई, फिर मैंने उसका गला दबा दिया, फिर इंजेक्शन लगा दिया सर। वो जहर वाला इंजेक्शन? यस यस सर, जहर वाला इंजेक्शन। इंजेक्शन लगाना आता है तुम्हें? आता है सर। सर मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, अगर मुझे अभी कभी इंजेक्शन मिला तो मेरी हालत बिगड़ जाएगी। कुछ नहीं होगा वंश, इंजेक्शन लाए हो ना, देव। हाँ सर है मेरे पास, लेकिन लगाएंगे? अरे ये लगाएंगे नहीं आता है। लाओ लाओ इंजेक्शन, तो ये इन्होंने पहले भी लगाया। लीजिए, आप इंजेक्शन लगाइए, लीजिए। क्या हुआ, तुम्हारे हाथ ऐसे क्यों कांप रहे हैं? वो भगो, झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने शांति का खून नहीं किया है, शांति को किसी और ने मारा है और उसे तुम जानते हो। कौन है? कहां मिलेगा? सब यही अरे संभाल के, बच्चे घर में ही होंगे। अभिजीत, CID इंस्पेक्टर अभिजीत। चुप करो, और जब तक मैं नहीं आ रही यहीं पे बैठे रहना।
घबराओ मत, यहाँ पे। हिलना नहीं। क्यों मारा तुमने शांति को? रघु के लिए, रघु से प्यार करती थी, शांति की वजह से वो मुझसे शादी नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने शांति को ही रास्ते से हटा दी। तो फिर रघु क्यों चिल्ला रहा था कि मैंने मारा शांति को? क्योंकि मैंने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने ये जुर्म को बोल नहीं किया तो मैं उसके दोनों बच्चों को मार दूंगी। अरे बंद कर ये ड्रामा और चुपचाप सीआईडी के सामने जाके ना ये जुर्म कबूल कर ले, वरना तेरे दोनों बच्चों को ना ऊपर पहुंचा दूंगी। अच्छा प्यार है तुम्हारा, प्यार भी करो और सूली पे भी चढ़ा दो। अब ये बताओ कि खून कैसे किया तुमने शांति का? मिला ये सब करके, ना तो प्यार मिला ना ही सीआईडी से बच पाई। शांति के खून के जुर्म में जेल की हवा खाते रहना जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आ जाता। ले जाओ सर। सब मेरी गलती। मैंने इस औरत के चक्कर में अपनी शांति को खो दिया। जरा भी शर्म बाकी है तो ऐसी गलती दोबारा मत करना। अपने बच्चों के बारे में सोचो, इन्हें पढ़ाओ लिखाओ। याद रखना अब तुम ही सब कुछ हो इनके लिए, मां भी और बाप भी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.